चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। मैं आप सभी का इस चैनल में, इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं वो है IIM कोझिकोड के बारे में। जैसे कि हमें पता है, जब भी हम MBA के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है और वो आता है IIM। जब भी हम IIM के बारे में सोचते हैं तो MBA वहाँ का एक ऑप्शन होता है। ये जो इंस्टीट्यूशन है IIM, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट एजुकेशन के अलग अलग कोर्सेस ऑफर करता है। तो जब भी हम IIM के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आना स्वाभाविक है, और उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं IIM के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो आज का इंस्टीट्यूशन है IIM का कोझिकोड़े का इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे अलग अलग मैनेजमेंट कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम MBA के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सवाल होते हैं। वो सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस ऑफ़र किए जाते होंगे, फीस रेंज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज रैंक पीटी क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार के ये क्वेश्चन और अलग क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं, और उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिल सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम क्या है ये IIM कोझिकोड़े। और जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, और जो लोग इस चैनल के लिए नए हैं, उनको मेरी दरख्वास्त है, ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसके द्वारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। मेरा एक दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपके सवाल यहाँ पे पूरे आपके दिमाग में से निकल जाएंगे। तो पहला है, ये जो इंस्टीट्यूशन है IIM कोझिकोड, ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसकी स्थापना 1997 में हुई है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसको 6 नंबर का रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने दिया है। जहाँ तक इस कैंपस का सवाल है, ये जो कैंपस है कोझिकोड का, ये 100 एकर्स में पूरा फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पे 4 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, 4 प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और फीस की बात है तो यहाँ पे जो फीस चार्ज की जाती है कोर्स के लिए, वो उसका रेंज है 8.75 लाख पौने 9 लाख के लेकर 22.5 लाख तक ये यहाँ पे फीस चार्ज की जाती है। 8.75 लाख टू 22.5 लाख फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है अलग अलग कोर्सों के लिए। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, एलिजिबिलिटी जो है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला है, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री हो, वो ट्रेडिशनल का हो और प्रोफेशनल का हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। और अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जहाँ तक इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सवाल है, यहाँ पे कैट, जिसको हम कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, वो पास करना ज़रूरी है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। और जहाँ तक हाईएस्ट सैलरी पैकेज का सवाल है, यहाँ पे जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज दिया जाता है वो, और जो पिछले साल हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला है वो है 52.1 लाख पर एनम। ये पिछले साल के आंकड़े हैं, इसमें चेंज हो सकता है। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन कैंपस और ऑन कैंपस ओनली हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जाता है। स्टूडेंट्स कैन अवेल दैट फैसिलिटी। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है MBA कोर्सेज के लिए और कोई और कोर्सेज के लिए, वो 3 चीज़ों के बेस पे होता है, आप कैट के मार्क्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का परसेंटाइल, GD का परसेंटाइल और PI का परसेंटाइल, ये तीनों मिला के आपका परसेंटाइल, फाइनल परसेंटाइल और ओवरऑल परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट होता है। और जो पिछले साल का ओवरऑल परसेंटाइल रैंक है, PT रैंक है जनरल कैटेगरी का, वो 85 था। इस साल में उसमें कुछ बढ़ोतरी और कम भी हो सकता है,
तो ये था। और उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से स्टूडेंट्स आते हैं, फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूशन IIM कोझिकोड़े फाइनेंशियल स्कॉलरशिप भी, फाइनेंशियल हेल्प भी, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तो ये था आज का वीडियो जो हमने बनाया IIM कोझिकोड़े के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे में मिलते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते आपका इम्पोर्टेंट कमेंट यहाँ पर लिखना ना भूलेगा, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सके। तो ये था इन्फॉर्मेशन IIM कोझिकोड़े के बारे में। आने वाले टाइम में हम और एक वीडियो बनाएंगे अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।